हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जेपीसी का जो एग्ज़ाम है 19 सितंबर से है, ऐसे में जो आखिरी के 15 दिन बच जाता है उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इस वीडियो में बने रहें, एक एक चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, इसमें हम लोग मुख्य रूप से पेपर वन इतिहास को देखेंगे, इतिहास में कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, भूगोल को देखेंगे, अर्थव्यवस्था और संविधान, साथ ही करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो का मुख्य फोकस है पेपर वन। पेपर टू का बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट का पेपर टू झारखंड जीके स्ट्रॉन्ग ही हो जाता है, लेकिन पेपर वन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ें नहीं पढ़ें। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं जेपीसी का, यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर का जो पेपर वन का टेस्ट है 15 टेस्ट सीरीज और पेपर टू का 15 टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं किए तो बहुत ही कम फी में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, एकदम बेहतरीन एकदम क्वालिटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ी खासियत है कि जितना भी प्रश्न है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग इस टेस्ट सीरीज में जरूर ज्वाइन करें। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री। यहाँ से जेपीसी पेपर वन में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन प्राचीन से, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन और 5 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से पूछा जाएगा, भारत का आधुनिक इतिहास। इसमें विश्व का इतिहास आपको पढ़ना नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आधुनिक इतिहास में वैसा कौन कौन सा टॉपिक है जो बचे हुए 15 दिन में आपको पढ़ लेना है, उसका ऑब्जेक्टिव कर लेना है। तो वीडियो में बने रहे, बहुत ही फायदेमंद यह वीडियो रहेगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो लगातार कई महीने से जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीपीसी हो, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, लगभग सभी पीसीएस में यहाँ से एक प्रश्न जरूर रहता है। तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा। सेकंड में देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। जब ब्रिटिश लोग भारत पर शासन करने लगे तो बहुत सारे नीतियों को थोपा गया, शिक्षा नीति, भूमि संबंधी नीति, या तो अन्य नीति, जो भी नीतियां हैं अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर थोपा गया उसको एक बार देख लेना है, साथ ही उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लेना है। जनजातीय एवं किसान आंदोलन, यहां से भी क्वेश्चन हर पीसीएस में रहता ही रहता है, जनजातीय किसान आंदोलन। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सा आंदोलन कब हुआ और कौन से क्षेत्र से इसका संबंध है, तो जनजातीय किसान आंदोलन को भी देख लेना। अब देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से क्या पढ़ना है, जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारा सामाजिक कार्य किए गए, धार्मिक सुधार किया गया, उन सभी टॉपिक को आप लोग को देख ले रहे हैं। आगे देखिए 1857 का आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक इतिहास का, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा 1857 का आंदोलन। अब देखिए क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुआ जैसे कोकरी कांड, या तो अन्य जितना भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उसे आप लोग को देख लेना है। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से भी क्वेश्चन रहने की संभावना है। गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, यहाँ से भी क्वेश्चन रहने की संभावना है। श्रमिक आंदोलन, विभिन्न संस्थाएँ एवं संगठन, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र और पुस्तक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जितना भी टॉपिक लिखा गया है बचे हुए 15 दिन में आप लोग एक बार जरूर देख लें और साथ ही उसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लें। अब कितना देर पढ़ना है और कितना देर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है इस पर भी बात करेंगे, वीडियो में बने रहें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि कुल 10 मार्क्स का। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को देख लेना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल काल, मराठा, दक्षिण भारत का इतिहास, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो ये जो टॉपिक है आप लोग को मध्यकालीन में पढ़ लेना है और इसको ऑब्जेक्टिव भी कर लेना है। जितना भी टॉपिक है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान में रखना है, जितना भी टॉपिक है एग्जाम में प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे प्राचीन भारत, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 10 मार्क्स का। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ लेना है और उसका ऑब्जेक्टिव कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, और इससे पहले
पाषाण काल जो है, पाषाण युग, उसे भी देख लेना है, क्योंकि वहाँ से एकदम जो पॉपुलर क्वेश्चन है उसे ही पूछा जाता है। तो एक बार उसका ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा पाषाण काल का। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो ये जो टॉपिक है आप लोग को पढ़ लेना है और इसका MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेना है। आपके पास जो भी बुक होगा, हिस्ट्री का जो भी बुक होगा, आप लोग उसे पलटिए। अभी तक जो भी बताएं आधुनिक इतिहास में, मध्यकालीन में और प्राचीन में, वे सारे टॉपिक को आप लोग टिक लगा लीजिए। बचे हुए 15 दिन में आप लोग को पढ़ लेना है और उसका जो MCQ है उसका भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो ऐसे में जो आपका तैयारी है एक बहुत ही अपर लेवल तक पहुँच जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग भूगोल, जियोग्राफी। सिलेबस में सिर्फ इंडियन जियोग्राफी है, आप लोग को भूलकर भी वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ना है। सिलेबस को एकदम फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि जो सिलेबस को फोकस नहीं कीजिएगा, सिलेबस के बाहर चलिएगा, तो समय का नुकसान के साथ साथ आपका भी नुकसान है। इसलिए फिर से बता रहे हैं, सिलेबस को आप लोग फॉलो कीजिएगा। वर्ल्ड भूगोल, जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, उसे नहीं पढ़ना है। और भारत का जो भूगोल है उसमें सिलेबस में क्या है, देखिए सिलेबस में है सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न और 2 प्रश्न है आपका आर्थिक भूगोल से। तो ऐसे में जो भूगोल है यहाँ से 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का। तो पढ़ना क्या क्या है, देखिए जलवायु और मिट्टी पढ़ लेना है, पठार, पर्वत, मैदान, दर्रा को पढ़ लेना है, नदी और बांध पढ़ लेना है, नदी के किनारे बसे हुए शहर को पढ़ लेना है, कृषि पढ़ लेना है, खनिज संसाधन, वन संसाधन, वन रिपोर्ट जो नया आया उसे पढ़ लीजिएगा 2019 वाला। उसके बाद देखिए जनगणना, जनगणना से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जनजाति पढ़ लेना है, उद्योग धंधा पढ़ लेना है, बंदरगाह पढ़ लेना है, परिवहन पढ़ लेना है। जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया, एक एक टॉपिक को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और कितना देर पढ़ना है इस पर भी बात करेंगे वीडियो में, आप लोग बने रहें। देखिए एक बात पर विशेष बल दीजिएगा, विशेष फोकस कीजिएगा, मानचित्र। जियोग्राफी मैप के बिना अधूरा है। यदि आपका मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप जियोग्राफी का तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अधूरा तैयारी हो जाएगा। इसलिए मैप का कॉन्सेप्ट, झारखंड का मैप और भारत का मैप, दोनों का वीडियो बना है, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों वीडियो को अवश्य देख लें। भारत का मैप भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और झारखंड का मैप। इस प्रकार से क्या होगा कि 4 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर आपका बढ़ सकता है। अब बात करेंगे भारत का संविधान, यहाँ से देखिए 10 प्रश्न रहेगा कुल 20 मार्क्स का। तो पॉलिटी का भी सेक्शन काफ़ी अहम है। तो इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया, भारत का संविधान से 4 प्रश्न रहेगा, भारत का संविधान से 4 प्रश्न और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, नगर पालिका और पंचायत से 2 क्वेश्चन, यानी कि कुल 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो ऐसे में आप लोग को जो भारत का संविधान है 4 क्वेश्चन, उसमें से आप लोग को विशेष बल किस पर देना है। देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ एवं स्रोत, कौन सा जो खंड है कहाँ से लिया गया है उस पर आप लोग को एक बार सनसनी निगाहों से देख लेना है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार को देख लेना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लेना है। केंद्र राज्य के संबंध को देख लेना है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को भी देख लेना है। पंचायती राज और नगर पालिका, सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, यानी कि 4 मार्क्स का। छोटा सा टॉपिक है, आप लोग विशेष फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि 4 मार्क्स है और सिलेबस में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पूछेंगे तो पूछेंगे ही। तो इसलिए पंचायती राज और नगर पालिका को आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। वीडियो नहीं देखें तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका वीडियो बना है, वहाँ से आपका 4 मार्क्स आसानी से उठ जाएगा। संवैधानिक संस्थाएँ, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इतना जो टॉपिक है आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ये टॉपिक 15 दिन पहले एग्जाम से जो 15 दिन बच जाता है, अंतिम 15 दिन में आप लोग को कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है और उसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेना है। चलिए अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखिए 10 प्रश्न रहेगा, आने की 20 मार्क्स का। इसका वेटेज भी उतना है जितना जियोग्राफी का है। तो जो सिलेबस में है, JPC पेपर 1 का सिलेबस में है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 प्रश्न रहेगा, उसमें से आप लोग को क्या क्या पढ़ लेना है। देखिए मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ लेना है, GDP और GST पढ़ लेना है, राष्ट्रीय आय पढ़ लेना है, भारतीय कृषि पढ़ लेना है, गरीबी बेरोजगारी पढ़ लेना है, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट लेटेस्ट जो 2021 का है उसे देख लेना है, विभिन्न समितियां आतो कमेटी, यहां से भी क्वेश्चन एक रहेगा,
चार समिति का नाम दे दिया और चार ईयर दे दिया, आप लोग को मिलान करने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे में विभिन्न समितियां और या तो जो भी कमेटी बना है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। स्टैटिक्स जीके और करंट से भी यहां से क्वेश्चन डाल देता है। करंट में देखिए आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को देख लेना, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2021 का, 2020 का नहीं देखना, 2021 का जो बजट आया है और आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड का और इंडिया का दोनों का देख लेना है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को देख लेना है। अब देखिए आर्थिक मुद्दे, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, यहाँ से चार क्वेश्चन रहेगा। एक और है एलपीजी, जो वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण है, वहाँ से दो क्वेश्चन रहेगा। तो सिलेबस थोड़ा सा अल्टर है, जेपीसी पेपर वन में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है थोड़ा सा अल्टर है, एक बुक में सारा कंटेंट आप लोग को नहीं मिलेगा, फिर भी जो यहाँ पर बताया गया है उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसमें लिख लीजिए पंचवर्षीय योजना, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो एलपीजी है, वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण, दो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि चार मार्क्स का। तो इस टॉपिक से भी आप लोग यदि 20 से 25 एमसीक्यू देख लेते हैं तो आसानी से चार मार्क्स आपका गेन हो जाएगा। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स पर। यदि आपको पेपर वन में अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी टॉपिक बताया जाएगा, आप लोग के पास जो भी बुक है करंट अफेयर्स का, उसमें टिक लगा लीजिए और उन सभी टॉपिक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, जो भी बीते एक सालों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटना हुआ उसे आप लोग को देख लीजिएगा, मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच। साथ ही आपके पास टाइम है तो मार्च के बाद जो बच जाता है अप्रैल मई जून जुलाई उसको भी देख लीजिएगा। रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यदि चार पांच भी क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया जाए तो आप पिछड़ जाइएगा, इसलिए यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखा गया है उस पर विशेष फोकस करना है। फिर से देखते हैं, देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, जो भी घटना है आ तो सामाजिक होगा, आ तो आर्थिक होगा, आ तो राजनीतिक होगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रमुख नियुक्तियां, देखिए प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रमुख नियुक्ति की गई है हाल फिलहाल में बीते एक सालों में उसे आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, इसे भी देख लीजिएगा। आगे देखिए सूचकांक और रिपोर्ट, जो भी सूचकांक आता है चाहे वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है या तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो भी बीते एक सालों में योजना शुरू किया गया है या तो जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसे आप लोग को देख लेना है। सैन्य अभ्यास, विभिन्न देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है उसे भी आप लोग को देख लेना है। ऐप एवं पोर्टल, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगा इसलिए आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। कोविड-19 के समय जो भी नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐप एवं पोर्टल। अब देखिए महत्वपूर्ण दिवस और उसके विषय, जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है उसे आप लोग को ध्यान में रखना है, उससे संबंधित जो भी विषय है उसको भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, मुख्य अतिथि कौन थे और इसका विषय क्या था, तो इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन, यहाँ से भी क्वेश्चन रहने की संभावना है। जो भी प्रमुख व्यक्ति कोविड-19 के समय या तो बीते एक सालों में जिनका निधन हो गया उनके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक, पुस्तक एवं उसके लेखक को भी देख लेना है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक, देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे G20, G7, बिम्स्टेक या तो सार्क सम्मेलन, जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई, सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ और इससे संबंधित जो भी विषय है आप लोग को याद रखना है। अब देखिए GI टैग, यहाँ से भी क्वेश्चन रहने की संभावना है। जो भी GI टैग पिछले एक सालों में मिला है आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अब विविध में सारा कुछ आ जाता है, इस पर फोकस नहीं कीजिएगा चलेगा, लेकिन जितना भी टॉपिक यहाँ पर अभी आप लोग देखें, करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना है, पेपर वन में अच्छा स्कोर करना है, तो इन सभी टॉपिक को आप लोग को देख लेना है। अब बात करेंगे कि आप लोग को कितना देर पढ़ना है और कितना देर रिवीजन करना है, कितना देर पढ़ना है और कितना देर रिवीजन करना है। देखिए वैसे अभ्यर्थी जो 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, जो 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, जो 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो 6 घंटे वालों के लिए 3 घंटा पढ़ना है और 3 घंटा उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। 8 घंटे वालों के लिए 4 घंटा पढ़ना है और 4 घंटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है,
और 12 घंटे वाले के लिए कम से कम 7 घंटा पढ़ना है और 5 घंटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।